राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनाव के बाद से राज्य में जारी हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में कई जगहों पर मौत का तांडव हो रहा है और राज्य सरकार हिंसा की शिकार लोगों को राजभवन नहीं आने दे रही है। बंगाल की सीएम संविधान की उपेक्षा नहीं कर सकती। दरअसल गुरुवार को पुलिस ने भाजपा लीडर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और चुनावों के बाद जारी हिंसा के पीड़ितों को राजभवन जाने से रोका था। इसके पीछे पुलिस ने कारण दिया था कि राजभवन के आसपास सेक्शन 144 लागू है। गवर्नर बोस ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने इन सभी लोगों को राजभवन आने और मुझसे मिलने की लिखित इजाजत दी थी, इसके बावजूद उन्हें राजभवन आने से रोका गया। मैं ये जानकर स्तब्ध हूँ कि कुछ कारण बताकर इन सभी लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका गया। गवर्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। राज्य में मौत का तांडव हो रहा है। पंचायत चुनाव के दौरान मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं राज्य में कई जगह गया था। इन चुनावों में भी हिंसा, हत्या, डराने धमकाने के कई मामले सामने आए हैं। ये जारी नहीं रह सकता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।